हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और एक्सेस में एक क्वेरी हमें लगानी है एसक्यूएल के अंदर। वो क्वेरी क्या है आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक्सेस ओपन करना, यहाँ पर एक्सेस ओपन किया मैंने, यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे चलना है, ये क्लिक किया हमने और यहाँ से क्या करना है क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा, हम इस टेबल को क्लोज कर देंगे क्योंकि हमें एसक्यूएल क्वेरी ही लिखनी है। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे इसे और एसक्यूएल क्वेरी हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले यहाँ क्रिएट लिखना होगा क्योंकि हम टेबल बनाने जा रहे हैं और फिर यहाँ टेबल लिखना होगा, फिर यहाँ टेबल का नाम देना होगा। जैसे कंट्री दे देता हूँ, कंट्री टी दे दिया। अब यहाँ पर क्या क्या फील्ड्स आएंगे वो फील्ड्स नेम देने होंगे। जैसे कंट्री देते हैं CONTRY कंट्री, ठीक है। अब ये जो कंट्री आएगा ये कंट्री का जो यहाँ पे कंट्री के नाम आएंगे तो यहाँ पे CONTRY कंट्री हो गया। इसका डेटा टाइप क्या होगा तो हम रख देते हैं फिलहाल टेक्स्ट, ठीक है, कॉमा देंगे। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा यहाँ पर कंट्री के बाद यहाँ पर कर देंगे हम नेम ऑफ अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री का नाम आएगा और फिर यहाँ पे एम्प्लॉयज के नेम आएंगे, ठीक है, वो कर देते हैं यहाँ पे, छूट गया। और यहाँ पर ये भी क्या होगा टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, तो ये टेक्स्ट कर दिया। आप इसको बंद करेंगे और बंद करके क्या करना है आपको, बंद करके यहाँ से टर्मिनेशन देना है और टर्मिनेशन देके यहाँ से रन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ कंट्री की टेबल बन जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके हम देखेंगे, ठीक है। तो एक दूसरी क्वेरी हम बनाएंगे, इसको सेव कर देते हैं, यहाँ से क्वेरी वन के नाम से सेव कर देता हूँ, इसको क्लोज भी कर देता हूँ यहाँ से। अब एक दूसरी क्वेरी लिखते हैं, हम यहाँ से चल के वापस से क्वेरी डिजाइन में जाएंगे, तो यहाँ से क्लोज कर देंगे और क्लोज करके यहाँ से एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ सेलेक्ट आ रहा है तो सेलेक्ट ही करना है हमें, क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट हमें टेबल को करना है और रिकॉर्ड जो इंसर्ट कराने हैं वो टेबल के अंदर ही कराने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट इनटू कमांड चलाना है, तो ये हो गया इंसर्ट और यहाँ पर लिखेंगे इनटू, इस तरीके से आपको लिख देना है। और किस में इंसर्ट कराना है तो कंट्री टी में इंसर्ट कराना है, यहाँ लिखेंगे CONTRY कंट्री टी, ये हो गया कंट्री टी, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको काम करना है, ठीक है, पहले तो उस फील्ड का नाम देना होगा। तो फील्ड के नाम क्या क्या है देखिए, एक तो कंट्री है और फिर दूसरा है नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो ये दोनों चीजें इसमें देनी होगी। तो पहले दे देंगे CONTRY कंट्री और फिर कॉमा देंगे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय, इस तरीके से जैसे लिखा गया है वैसे ही हमें लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सीधा एंटर करना और यहाँ देना है वैल्यूज दे दीजिएगा और ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा। और यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज, तो पहली कंट्री का नाम है इंडिया INDIA और यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम राम, डोमेटेड कॉमा के अंदर लिखेंगे राम, इस तरीके से, और इसको बंद करेंगे, टर्मिनेशन देंगे और जैसे टर्मिनेशन दे करके यहाँ से डिजाइन पे जाएंगे और ये पहले तो इस टेबल को क्लोज करेंगे सेव करके और यहाँ से डिजाइन पे जाके इसको जैसे रन करवाएंगे कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, ठीक है। तो आप एक रो को अपेंड कराने जा रहे हैं तो बस यहाँ से ओके कर दीजिए, तो बस हो गया, यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे राम आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसी में हम चेंजेस करते हैं, जैसे मान लीजिए अब तो राम आ गया इंडिया से, अब यहाँ से रशिया करते हैं, रशिया RUSSIA रशिया कर दिया और रशिया में जो एम्प्लॉय है उनका नाम है आसिफ ASIF, ये आसिफ हो गया। अब यहाँ से वापस जाएंगे और ये जो टेबल रहेगी ना ये टेबल हमेशा क्लोज ही रहेगी, फिर रन करवाएंगे तो कह रहा है फिर आप एक रिकॉर्ड को अपेंड करने जा रहे हैं, तो फिर एक रिकॉर्ड अपेंड हो गया, ठीक है। अब फिर चेंजेस करेंगे, ठीक है, फिर चेंजेस करते हैं, फिर यहाँ करते हैं इंडिया INDIA, ठीक है, और ये यहाँ पे कर देते हैं कुछ और नाम, लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं MANOJ मनोज लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया, अब फिर एक बार इसको रन करवाएंगे तो रन करवाएंगे तो फिर एक रिकॉर्ड अपेंड होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें बार बार रिकॉर्ड को अपेंड करवाना है इसमें, ठीक है, तो अपेंड यानी कि इसमें इंसर्ट करवाना है रिकॉर्ड को, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं US, ठीक है, और US करके यहाँ पे रजनीश एक नाम लिख दिया, ठीक है, और यहाँ से फिर अपेंड करवा देंगे तो ये अपेंड होता चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे रशिया और फिर यहाँ पर वही एक और नाम देंगे,
जैसे यहाँ लिख देते हैं सोहन एक नाम, और फिर इसको अपेंड करवा देते हैं, अपेंड करवा दिया। फिर यहां पर एक और नाम, इस बार करते हैं चाइना, सी एच आई एन ए चाइना, और यहां पे लिख देता हूं कोई और नाम लाइक रोहन, आर ओ एच ए एन, ये हो गया रोहन। ठीक है, यहाँ पे फिर एक रिकॉर्ड अपेंड हो रहा है। तो इस तरीके से करके रिकॉर्ड्स अपेंड होते चलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ इसको हटाता हूँ, फिर यहाँ कोई और कंट्री का नाम अफ्रीका कर देते हैं, अफ्रीका, अफ्रीका किया, और फिर यहाँ एक और नाम सुजीत। ये इस तरीके से हमने लिख दिया है, और ये बहुत सारे इसमें रिकॉर्ड्स अपेंड हो चुके हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को क्लोज करेंगे सेव करके। तो ये क्वेरी टू हो जाएगी, और इसको सेव करके और क्लोज कर देते हैं। क्लोज किया, अब हमको एक ऐसी क्वेरी लगानी है। अब देखिए इतने सारे नाम और कंट्रीज के नाम यहाँ पे अपेंड हो चुके हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इतने सारे कंट्रीज के नाम इसमें अपेंड हुए हैं। अब देखिए हमको करना क्या है, हमें सिर्फ किसकी डिटेल चाहिए, हमें इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कैसे करेंगे यही समझना है हमको। ठीक है, शॉर्टिंग कैसे इसकी होगी यही बात हमको समझनी है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि शॉर्टिंग इसमें हम करेंगे कैसे। ठीक है, क्योंकि शॉर्टिंग के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है, और शॉर्टिंग आपको सिखा देता हूँ इस वीडियो में कि आपको इसमें कैसे शॉर्टिंग करनी है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमको सबसे पहले कमांड लिखना होगा, ठीक है, स्टेटमेंट लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे क्रिएट पर। अब पहले तो इस टेबल को क्लोज करना होगा, और यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से आ जाना, आएंगे और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करके एसक्यूएल पे चलेंगे, और एसक्यूएल पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, अगर नहीं भी लिखा हुआ आ रहा है तो आप लिख लीजिए, और यहाँ एस्ट्रक लगा लीजिएगा। और कहाँ से सेलेक्ट करना है, हमारे जो टेबल का नाम है वो है कंट्री टी, सी ओ यू एन टी आर वाई कंट्री टी, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, यहां से एंटर करना है, और यहां पे लिखिएगा ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई इस तरीके से लिख दीजिएगा, ऑर्डर बाई। ठीक है, ऑर्डर और बाई, अच्छा ऑर्डर और बाई में गैप रहेगा, ये भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, और यहां पे कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई कंट्री कर दिया। ठीक है, और यहां से टर्मिनेशन यानी कि सेमी कॉलन लगा दीजिएगा, और अब बारी है इसको रन करवाने की। तो ये रन करवाया, तो अभी देखिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां पर आ गया है, देख लीजिए यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया कि नहीं। पहले क्या था, पहले कुछ और था ये, ठीक है, अफ्रीका पहले नहीं आ रहा था, पहले यहाँ इंडिया था, लेकिन आप देखिए एकदम अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये अरेंज हो गया। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जब भी आपको अरेंज करना हो तो ये कमांड लिख करके अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसा कैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।